क्या प्रेगनेंसी के दौरान घर के कामकाज करना खतरनाक हो सकता है? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी गर्भवती महिलाओं के दिमाग में भी यह सवाल रहता है कि कौन कौन से वो काम है जो नहीं करने चाहिए, और इसी बारे में इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन से काम है जो आपने टालने चाहिए, और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस चैनल पर। अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हर प्रेग्नेंट माँ के लिए गर्भावस्था यह सबसे खुशी की अवस्था होती है, उनके जीवन की सबसे आनंददायी अवस्था होती है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो गर्भावस्था के दौरान आपने नहीं करने चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ क्या गर्भावस्था में करना चाहिए ये सीखना उससे भी इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था में गर्भ संस्कार करने चाहिए, आपने जानना चाहिए कि गर्भ संस्कार क्या होते हैं, किस तरह से गर्भस्थ शिशु के ऊपर गर्भ संस्कार किए जाते हैं, म्यूजिक का क्या परिणाम आपके गर्भस्थ शिशु पर होता है, क्या आपके गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था में ही तेजस्वी बना सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं, सर्व गुणों से परिपूर्ण बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं? और इस सवाल का जवाब है हाँ। अगर आप गर्भ संस्कार सीखते हैं, अगर आप गर्भस्थ शिशु के ऊपर गर्भ संस्कार करते हैं तो ये आपके लिए तो फायदेमंद जरूर होगा। इससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद होगी, इससे आपको प्रेगनेंसी में जो तकलीफें होती है वो कम होने में मदद होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा फायदा होगा आपके गर्भस्थ शिशु को। क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हम करते हैं, क्यों ना इस खर्चे को कम करने के लिए गर्भ संस्कार करें। इसके लिए हमने एक स्पेशल ऐप बनाया है जिसका नाम है संजीवन गर्भ संस्कार। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जहाँ पर मैंने लिंक दी है वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप संजीवन गर्भ संस्कार का वर्कशॉप भी कर सकते हैं। यह वर्कशॉप बहुत ही पावरफुल है, जिसमें गर्भ संस्कार से रिलेटेड हर चीज़ डॉक्टर संजीवनी टोंगसे मैडम ने खुद के अनुभव से बताई है। हजारों पार्टिसिपेंट जो है उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप इसी चैनल पर कम्युनिटी सेशन में जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा उनका एक्सपीरियंस है कि शायद अगर वो ये क्लास नहीं करते थे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते थे। सामान्यतः घर के जो काम होते हैं वो आपको सक्रिय और क्रियाशील रहने में मदद करते हैं। आपको बिना एक्सरसाइज किए भी आप तंदुरुस्त रह सकते हैं अगर घर के आप काम करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां जो आपने नहीं करनी चाहिए वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, भारी वजन उठाना या सरकाना, ये जो काम है ये प्रेगनेंसी में आपको नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में काफ़ी हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स है, आपके जोड़ों में और श्रोणि क्षेत्र में, यानी कि पेल्विक रीजन जो होता है, पेल्विक फ्लोर जो होता है, उसमें उसके जो लिगामेंट्स होते हैं, इन लिगामेंट्स में शिथिलता हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं या किसी चीज़ को सरकाते हैं तो आपको इंजुरी हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है, जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए भी हानिकारक हो सकती है। और इसीलिए आपको भारी वजनदार चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं उठानी है। कोई चीज़ आप अगर सरकाने की कोशिश करते हैं ये भी आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी बदलाव जो आपके शरीर में होता है और जिसकी वजह से इन चीज़ों को आपने टालना चाहिए, वो होता है आपके शरीर का जो वज़न है वो भी बढ़ जाता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपका जो गुरुत्व बल है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बच्चा पेट में होने की वजह से, वो भी बदल जाता है, और इसीलिए आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। और यही कारण है बहुत बार ध्यान में नहीं रहता है। यूजुअली हम जो काम कर सकते हैं वो प्रेगनेंसी में अगर करने जाए तो हमारा बैलेंस जा सकता है, आप गिर सकते हैं, जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और इसीलिए वजनदार चीज़ों से आपने दूरी रहना है। इमरजेंसी है फिर भी अवॉइड करना है। अगर आपको कुछ उठाना ही है तो आप घुटनों के बल झुक सकते हैं, घुटनों के बल झुक के आप उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए बहुत वजनदार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं उठानी है। वजनदार चीज़ें जैसे बाल्टी अगर आप उठाते हैं, या फिर आप गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश करते हैं, कोई सूटकेस उठाने की कोशिश करते हैं, या आपको अगर कोई बड़ा लड़का या लड़की है उसको अगर आप उठाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको टालिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है रासायनिक उत्पादनों का इस्तेमाल नहीं करना है।
जैसे आप साफ सफाई के लिए केमिकल वाले जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा पीछे उसके चेतावनी भी लिखी हुई होती है कि ये बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन बहुत बार हम पढ़ते नहीं है और उसका इस्तेमाल करते हैं। शायद अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है आपको ये बात पता ही ना हो और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, तो याद रखिए इन चीज़ों को आपको नहीं इस्तेमाल करना है। उसकी बजाय प्राकृतिक उत्पादनें जो रहती है, नेचुरल जो उत्पादनें होती है, उनको आप इस्तेमाल कर सकती है। उसी के साथ साथ तीव्र गंध वाली जो चीज़ें होती है उससे भी आपको बचना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। बहुत देर तक खड़े रहने से क्या होगा, आपके पैरों पे सूजन आ सकती है या फिर आपको कमर दर्द हो सकता है। जनरली एक मेंटेलिटी होती है महिलाओं की कि मैं इतना काम पहले निपट लूँ फिर आराम करूँ, और उस झंझट में वो भूल जाते हैं कि वो कितने देर से खड़े हैं। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी काम आप करते हैं आप कुर्सी पर बैठिए और बैठकर काम करने की आदत डालिए। मैं समझ सकता हूँ इतने दिनों से इतने सालों से आपको शायद आदत नहीं है, आप खड़े खड़े काम करते हैं, लेकिन आपको ये आदत डालना ज़रूरी है। खाना अगर आप बनाते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठना चाहिए, आपको एक चेयर बाजू में रखना चाहिए, उस पर आप थोड़ी देर बैठिए फिर से आपका काम कीजिए। खाना बनाते समय और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी चाहिए, आप ऐसे व्यंजन बनाइए, ऐसे चीज़ें बनाइए जिसमें बहुत देर तक आपको गैस के पास खड़ा न रहना पड़े। अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेस करते वक्त पहले तो हो सके तो आप अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आपको करना ही है तो उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से आपके कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैठकर प्रेस कीजिए। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, और काफ़ी महिलाओं को ये बात पता ही नहीं होती है, अगर आपके घर पे पालतू बिल्ली है तो उसका मल आपको साफ नहीं करना है या उसके कांटेक्ट में आपको नहीं जाना है, क्योंकि बिल्ली के मल में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का एक परजीवी होता है जो आपके लिए इन्फेक्शन आपके शरीर में फैला सकता है, और इसका जो असर है आपके शिशु पे भी हो सकता है, इससे शिशु को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। और इसीलिए ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है, आपने टालना है। और इसीलिए अगर आपके घर में कोई पालतू बिल्ली है या कोई भी पालतू जानवर है तो आपको उसका जो काम है किसी और को सौंपना चाहिए, वो आपने नहीं करना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा, ऊपर चढ़ने वाले और संतुलन बनाने वाले जो काम है ये आपको नहीं करने हैं, इससे आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ने की वजह से आपको इससे नुकसान हो सकता है। सो ऊपर चढ़ने वाले काम या कुछ रैक से कुछ निकालना है, ऊपर से कुछ निकालना है, ऐसे काम आपने अवॉइड करने चाहिए। सो इन चीज़ों की तरफ बारीकी से ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी गलती आपने नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये आपने सीख लिया, क्या करना है ये भी सीखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।